डार्क चॉकलेट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, आप इसको वेट लॉस में भी खा सकते हो, इसको खाने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जरा उस बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे जो भी आप ये फोटो देख रहे हो, ये नॉर्मल चॉकलेट और डार्क चॉकलेट की न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है। आप दोनों चीजें चेक करो एक बार, कैलोरीज आप चेक करो। नॉर्मल चॉकलेट में आपको मिल जाएंगी 515 और डार्क चॉकलेट में आपको उससे ज्यादा ही मिलेंगी 557। ये डिपेंड करता है चॉकलेट टू चॉकलेट, बट मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल चॉकलेट हो या फिर डार्क चॉकलेट हो, कैलोरीज का जो कंटेंट होता है, कैलोरीज जो होती हैं वो दोनों में सेम ही होती हैं। तो आपकी जो नॉर्मल चॉकलेट होती है और जो डार्क चॉकलेट होती है वो दोनों सेम ही है, दोनों में सेम ही कैलोरीज होती है, पर डिफरेंस बस इतना है कि जो डार्क चॉकलेट होती है ना उसमें थोड़े से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और नॉर्मल चॉकलेट में इतने नहीं होते। तो डार्क चॉकलेट में थोड़े से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसीलिए आप उसको वेट लॉस पे खा सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा बकवास चीज है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी मिल जाएंगे और उसमें तो डार्क चॉकलेट से बहुत कम कैलोरीज होती हैं। तो डार्क चॉकलेट हेल्दी जरूर है, बट वो वेट लॉस के लिए अच्छी नहीं है।